नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। रोहतास से राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिला के बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के राजपुर थाना अंतर्गत रामुडीह गांव में एक 17 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित दुष्कर्म करने के बाद उक्त युवती को 48 घंटे बाद हत्या करने की नीयत से गोली मारने का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस ने पीड़ित पक्ष से मिले आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी चारों आरोपियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसी दिन से उक्त गांव में शांति कायम रखने के लिए काफी संख्या में पीड़ित युवती के घर से करीब 50 गज की दूरी पर पुलिस कैंप बहाल किया गया था। विदित हो कि कथित दुष्कर्म पीड़िता को पत्रकार बन आए हमलावरों द्वारा घटना को अंजाम देने की बात कही जाती थी। गोली कांड के समय से कथित दुष्कर्म पीड़िता के परिवार वालों की बातों में विरोधाभास एवं संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस पैनी निगाह रखे हुए थी। जख्मी युवती का इलाज चल रहा है। इस मामले में कथित दुष्कर्म पीड़िता के पिता सहित दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी गई। संझौली थाना के चरपोरवा गांव में छापेमारी कर दो बंदूक सहित भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने उक्त घटना को सांप्रदायिक रंग देने के लिए तथा उपद्रव भड़काने के उद्देश्य से पीड़ित को गोली मारा था। इसका खुलासा प्रेस वार्ता कर रोहतास पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने कार्यालय में किया। बाइट रोहतास एसपी सत्यवीर सिंह। जो दुखन चौधरी है, इसके कुछ क्रिमिनल्स जो ओल्ड नक्सल कहे या फिर जो, चूंकि ओरियापुर से नक्सल प्रभावित रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ लोगों को इसने बुला रखा था। चूंकि रिकॉर्डिंग में आया है कि लोग प्लान कर रहा है कि उस गांव के उसको घर को ढा देने की भी बात कर रहा है, तो ये लोग प्लानिंग में था, कुछ लोगों को जरूर इकट्ठा किया था। पहले से भी कोई मामला दर्ज है क्या सर? नहीं, वो अभी वेरीफाई कर रहे हैं, पहले से कोई मामला अभी रिकॉर्डिंग नहीं है। 4 दिन पहले एक लड़की के साथ में पहले अटेम्प्ट रेप का आरोप लगा था 4 लड़कों पर। हम लोगों ने गिरफ्तार कर उनको न्यायिक हिरासत में भेजा था। गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उसके दूसरे दिन रात में सूचना मिली 3 बजे कि उनके फादर ने, क्योंकि गांव में फोर्स कैम्प कर रही थी, तो उन्होंने पुलिस में फ़ोन किया थाना अध्यक्ष को कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि लड़की को गोली मार दी किसी ने रात में 3 बजे शौच में। उसको 3 बजे शौच लगी थी रात में, शौच में जैसे ही बाहर से निकले तो घर के सामने ही 10 मीटर दूर पर किसी ने गोली पीछे से मार दी। प्रथम दृष्टया हमने बताया था कि मामला संदेहास्पद है, क्योंकि वहाँ पर पूरे गांव में पुलिस कैंप कर रही है और घर के पास, घर से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर भी पुलिस है वहाँ पर। तो पीछे से गोली मारने का कहीं कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा था, तो हमने बताया था कि जो भी घटना है कहीं ना कहीं परिवार संदेह के घेरे में है और कोई जो भी घटना हुई है घर के आसपास ही हुई है। अनुसंधान के दौरान हम लोगों ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया, CDR वगैरह का और डिटेल रिकॉर्ड्स वगैरह का एनालिसिस किया। एनालिसिस के क्रम में एक व्यक्ति दुखन चौधरी को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल में लड़की का पिता उसके मोबाइल से जो बात किया है उसकी ऑटो कॉल रिकॉर्ड में बहुत सारी रिकॉर्डिंग सेव थी। रिकॉर्डिंग्स में हम लोगों को बहुत सारे ऐसे क्लूज मिले जिससे कन्फर्म हुआ कि ये प्री प्लान्ड अटेम्प्ट मर्डर था। उस लड़की को इन लोगों को वो योजना थी कि लड़की को गोली मार देंगे तो मर जाएगी और दूसरे को फंसा देंगे, इस प्रकार की योजना थी। तो चूंकि लड़की को गोली मरी, वो मरी नहीं, तो इन लोगों की इवन आगे की प्लानिंग थी कि लड़की को जला दें, जिंदा जला दें। तो खैर वो नहीं जला पाए तब तक, क्योंकि पुलिस वहीं थी। पुलिस ने उसको तुरंत पहले पुलिस को घुसने भी नहीं दिया घर में, पुलिस ने उसको रेस्क्यू करके लड़की को इलाज कराया। इलाजरत है, उसका ऑपरेशन हो चुका है, लड़की सुरक्षित है। हम लोगों ने लड़की के पिता धर्मेंद्र पासवान को, उसके साथ में जो साजिश करता है दुखन चौधरी, उसको गिरफ्तार किया है। साथ में उसने एक रिकॉर्डिंग हम लोगों को मिली कि कुछ संजय चौधरी नाम का व्यक्ति है जिसने आर्म्स को सप्लाई किया है। चूँकि रिकॉर्डिंग में कह रहा है कि उसको पुलिस को सूचना देने के पहले कि संजय को फ़ोन कर दो, पिस्टल लेके जाए, तो उसके आधार पर हम लोगों ने संजय चौधरी के घर पर छापामारी की। तो उसके यहाँ से 2 बंदूकें बरामद हुई, एक ये सिंगल बोर 12 बोर की है, सिंगल बैरल, और एक डबल बैरल 12 बोर की बंदूक है। 50 कारतूस हैं, कुछ 315 के कारतूस हैं, कुछ 9mm और कुछ 8mm के भी कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ खाली खोके ही बरामद हुए हैं जिसका कोई लाइसेंस इन लोगों के पास नहीं है। हम लोगों ने अलग से आर्म सेक्ट का भी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, सभी को नहीं करा सकते।